जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर राधा चरण गोस्वामी जी से संबंधित तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर लें और ज्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करिए आपके लिए यहाँ पर हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स यहाँ पर उपलब्ध है हिंदी हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज़ भी उपलब्ध है और बहुत ही कम दामों और दामों में और अभी ऑफर भी चल रहा है तो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से 2020 टेस्ट सीरीज फ्री होती है सप्ताह में दो दिन तो इस टेस्ट सीरीज में भी भाग लें तो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है आपके लिए प्ले स्टोर से और अपनी तैयारी में जो है अच्छी तरह से लग जाना है राधा चरण गोस्वामी जी से संबंधित यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है राधा चरण गोस्वामी किस युग के कवि थे क्वेश्चन नंबर एक है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है राधा चरण गोस्वामी किस युग के कवि थे तो ये माने जाते हैं भारतेंदु युग के विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दो पूछा है राधाचरण गोस्वामी के पत्रिका में हिंदी बांधव कोलम में लिखते थे तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दो का राइट आंसर होगा ब्रह्म समाज विकल्प नंबर एक जो है यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर तीन पूछा क्या है राधा चरण गोस्वामी का जन्म कब हुआ तो क्वेश्चन नंबर तीन का जो आपका सही आंसर होगा राधा चरण गोस्वामी जी का जो जन्म हुआ था यह कब हुआ था तो आपका सही आंसर है अठारह सौ अंठावन ईस्वी में अठारह सौ अंठावन ईस्वी में इनका जन्म हुआ था <laughs> राजा चरण गोस्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था ये आपके लिए बताना है तो क्वेश्चन नंबर चार का आपका जो सही आंसर है वह आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर चार का राइट आंसर है वृंदावन में कहाँ पर इनका जन्म हुआ था वृंदावन आपका सही आंसर है बिल्कुल सही भारतीय पत्रिका किसने निकाली थी आपको यहाँ पर बताना है चार विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं भारतेंदु पत्रिका जो निकाली थी प्रताप नारायण मिश्र या राधा चरण गोस्वामी राधा कृष्ण दास भारतेंदु तो आपका सही आंसर है राधा चरण गोस्वामी विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा राधा चरण गोस्वामी ने भारतेंदु पत्रिका का कब निकाली थी आपको बताना है क्वेश्चन नंबर छह है चार विकल्प भी आपके यहाँ पर दिए गए हैं और क्वेश्चन नंबर छः का राइट right आंसर है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी यानी कि अठारह सौ ईस्वी में इन्होंने भारतेंदु पत्रिका निकाली थी बिल्कुल सही राधाचरण गोस्वामी ने भारतेंदु पत्रिका कहाँ से निकाली थी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इन्होंने भारतीय पत्रिका निकाली थी कहाँ से निकाली थी ये पूछा है आपसे तो आपका सही आंसर है वृंदावन वृंदावन आपका विकल्प नंबर डी यहाँ पर राइट right आंसर होगा क्वेश्चन नंबर आठ पूछा कि राधाचरण गोस्वामी की रचना यमलोक की यात्रा की विधा क्या है निबंध है यात्रा वृत्तांत उपन्या है उपन्यास है संस्मरण है क्वेश्चन नंबर आठ है और आप आठ का जो सही आंसर है वह होगा आपका निबंध निबंध आपका यहाँ पर सही आंसर है बिल्कुल सही निबंध जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है अगला क्वेश्चन क्या पूछा है तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा है नौ राधा चरण गोस्वामी के किस नाटक में औरंगजेब के समय हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों का चित्र खींचने के लिए कल्पित की गई कहानी है ये आपके लिए बताना है किस नाटक में तो क्वेश्चन नंबर नौ है और वह नाटक कौन सा है सती चंद्रावली विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर दस है राधाचरण गोस्वामी ने बांग्ला भाषा के किस उपन्यास या उपन्यासों का हिंदी अनुवाद किया है तो बिरजा या फिर जावित्री या मृंडमयी या उपरोक्त सभी तो आपका सही आंसर है उपरोक्त सभी आपका यहाँ पर सही आंसर है इन उपन्यासों का हिंदी अनुवाद किया बिल्कुल सही क्वेश्चन नंबर ग्यारह पूछा है इनमें से कौन सी रचना राधाचरण गोस्वामी जी की है तो क्वेश्चन नंबर ग्यारह का आपका जो सही आंसर है वह आपका राइट आंसर नवभक्तमाल राधा चरण गोस्वामी जी की रचना है तो राधा चरण जी की है नव भक्तमाल ये रचना मानी जाती है इनमें से कौन सी काव्य रचना राधा चरण गोस्वामी जी की है ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर पूछा है बारह है और बारह का जो सही आंसर है वह आपका राइट आंसर भारत संगीत विकल्प नंबर ए जो है आपका सही आंसर है राधा चरण गोस्वामी की रचना है भारत संगीत आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर तेरह पूछा है राधा चरण गोस्वामी जी की आत्मकथा कौन सी है आत्मचिंतन आत्मचरित आत्म, आत्म, आत्म या आप बीती तो राधा चरण गोस्वामी जी की जो आत्मकथा है वह आत्मचरित है तो विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर चौदह है इनमें से कौन सी रचना राधा चरण गोस्वामी जी की है तो क्वेश्चन नंबर चौदह का आपका जो सही आंसर है वह आपका राइट आंसर क्या सही आंसर आपका राइट आंसर है विधवा विलाफ आपका सही आंसर होगा राधाचरण गोस्वामी के नाटक अमरसें राठौड़ का रचना काल बताना है अमरसें राठौड़ का रचनाकार माना जाता है ये इनका नाटक है राधाचरण गोस्वामी जी का और इसका जो रचना काल माना जाता है वह अठारह सौ चौरानवे ईस्वी माना जाता है तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर होगा राधाचरण गोस्वामी जी का निधन कब हुआ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन नंबर सोलह का आपका जो सही आंसर है वह आपका सही आंसर यहाँ पर विकल्प नंबर सी यानी कि उन्नीस सौ पच्चीस ईस्वी में राधाचरण गोस्वामी जी का निधन हुआ बिल्कुल सही और इनका जन्म कब हुआ था तो इनका जन्म हुआ था अठारह ईस्वी में इनका जन्म हुआ था राधा चरण गोस्वामी जी का कहाँ पर इनका जन्म हुआ था तो वृंदावन वृंदावन ब्रंधा में इनका जो है इनका जन्म हुआ था वृंदावन में और जो भारतेंदु पत्रिका थी भारतेंदु पत्रिका ये किसने निकाली थी तो भारतेंदु पत्रिका निकाली थी किसने राधा चरण trena... गोस्वामी जी ने कब निकाली थी भारतेंदु पत्रिका तो ये निकाली थी कब अठारह ईस्वी में कहाँ से निकाली थी तो वृंदावन से निकाली थी ये इनसे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे राधाचरण गोस्वामी जी से तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर लें और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर, पर टेस्ट सीरीज भी है तो टेस्ट सीरीज भी आप यहाँ पर जो है खरीद सकते हैं और यहाँ पर आपके लिए हिंदी साहित्य संबंधित महत्वपूर्ण कोर्स भी यहाँ पर है तो आप सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करिए और जो भी जो भी कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कोर्स परचेस कर सकते हैं ट्वेंटी ट्वेंटी टेस्ट सीरीज होती है ये फ्री होती है आपके लिए सप्ताह में दो दिन तो इस टेस्ट सीरीज से भी अवश्य जुड़ें तो आज की वीडियो में बस इतना ही सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सरसअप पब्लिकेशन की अपनी बुक है कविमाला वस्तु प्रश्न और सभी लोग वीडियो को लाइक करें शेयर करें जय हिंद